हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। और आज हम बात करेंगे जैनिज्म की। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री का भी पार्ट है और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। तीर्थंकर्स आर द टीचर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो जो 24 तीर्थंकर्स हुए हैं उनमें से जो पहले 22 तीर्थंकर्स हैं उनके हमें कोई हिस्टोरिकल प्रूफ देखने को नहीं मिलते। जो 23rd तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, उनके हमें हिस्टोरिकल प्रूफ मिलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट तीर्थंकर थे वो थे महावीर। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं वो है महावीर, वर्धमान महावीर। और एक और चीज याद रखना कि हर एक तीर्थंकर के साथ एक सिंबल जुड़ा हुआ है और महावीर का सिंबल था लाइन, ठीक है। अब जो 24 तीर्थंकर हुए हैं ये बिलीव किया जाता है कि सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर थे और इनका मेंशन हमें ऋग्वेदा में भी मिलता है। उसके बाद 23rd तीर्थंकर, हम अभी बात कर रहे थे पार्श्वनाथ की, ये 23rd तीर्थंकर थे और ये बनारस से थे। ये एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी जो रॉयल लाइफ थी उसको छोड़ के ये एक एसेटिक बन गए थे। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से वर्धमान महावीर सबसे ज्यादा फेमस है, हमने अभी बात की, और इन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे महावीर की। तो इनका जन्म हुआ था 540 BC में इन अ विलेज कुंडल ग्राम नियर वैशाली इन नॉर्थ बिहार। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, ये क्षत्रिय क्लैन के एक रूलर थे, और इनकी मदर का नाम था त्रिशिला। ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी के जो किंग थे चेतक, त्रिशला उनकी बहन थी। और ये याद रखना कि जो भगवान महावीर हैं उनका मगध एम्पायर के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। हम चेतक जो लिच्छवी के रूलर थे उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी जो बेटी थी, चेतक ने अपनी बेटी की शादी बिंबिसार से की थी जो मगध के रूलर थे। तो इस तरीके से महावीर का हमें बहुत ही क्लोज कनेक्शन मगध से देखने को मिलता है। एट द एज ऑफ 30 ये अपनी जो सिंपल लाइफ थी उसको छोड़ के एक एसेटिक बन गए थे, एक जैन मंक बन गए थे। और 12 साल की तपस्या के बाद एट द एज ऑफ 42 इनको कैवल्या, जिसको इनलाइटनमेंट भी कहते हैं, वो मिला था। और ये याद रखना कि इन्होंने जो अपनी मेडिटेशन की थी वो एक साल ट्री के अंडर की थी, और उसी साल ट्री के अंडर इनको इनलाइटनमेंट, जिसको कैवल्या कहते हैं जैनिज्म में, वो मिला था। और कैवल्य का मतलब, इनलाइटनमेंट का मतलब है कि उन्होंने माइजरी और हैप्पीनेस को कॉन्कर कर लिया था। मतलब कि जब आपको ना तो किसी चीज मिलने की खुशी हो और ना ही कोई चीज खोने का दुख हो, तो उसको कहा जाता है इनलाइटनमेंट, ठीक है। अब ये याद रखना कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में हम कोई भी ऐसे जब टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि जैनिज्म में कैवल्य, तो बुद्धिज्म में एनलाइटनमेंट को किसी और टर्म से जाना जाएगा। तो इसलिए स्पेसिफिकली याद रखना कि जो ये टर्म्स है किस रिलीजन से बिलोंग करती हैं। अब जब महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उनको महावीरा और जीना कहा जाने लगा, और इनके फॉलोअर्स को जैना कहा जाने लगा, ठीक है। अब महावीरा के जो हम अगर रिलीजियस प्रीचिंग्स की बात करें, उनके मिशंस की बात करें, तो कौशला, मगध, मिथिला और चंपा, ये चार प्लेसेस का नाम स्पेसिफिकली याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो इन चार प्लेसेस पे उन्होंने अपनी रिलीजियस प्रीचिंग्स दी थी। एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। और पासिंग अवे को निर्वाणा भी कहा जाता है। निर्वाणा यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। निर्वाणा का मतलब होता है कि जब आपको एक यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज निर्वाणा। और इनको निर्वाणा मिला था एट पावापुरी नियर मॉडर्न राजगीर, ठीक है। और जैन जो स्क्रिप्चर्स है जैनिज्म के उनको अगमास कहा जाता है। उसके बाद अगर हम जैनिज्म के डॉक्टराइंस की बात करें तो 5 डॉक्टराइंस है जैनिज्म के। सबसे पहला अहिंसा, जिसका मतलब है नॉन वायलेंस। फिर सत्या यानी कि ट्रूथ, मतलब जैनिज्म ये बोलता है कि हमें इन 5 जो डॉक्ट्राइन्स है उनको अपनी लाइफ में लेके आना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहला अहिंसा, फिर सत्या, और उसके बाद अस्त्या। इसका मतलब है नॉन स्टीलिंग, मतलब कि जो चीज आपकी नहीं है अगर हम उस चीज पे अपना हक जमा रहे हैं तो जैनिज्म उस चीज को गलत मानता है, और इसलिए कहता है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज को अपना हक समझ के नहीं करना है। तो दैट इज अस्त्या। और उसके बाद अपारिग्रह, जैनिज्म कहता है कि जब हम किसी चीज को
किसी चीज के साथ अपने बिलोंगिंग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जब हमें कोई चीज अपनी लगने लगती है तो हमें उस चीज को पाने की खुशी भी होती है और उस चीज को खोने का दुख भी। तो इसलिए जैनिज्म कहता है कि कोई भी चीज आपकी नहीं है, तो नॉन पोजेशन की ये फिलॉसफी देते हैं जिसको जैनिज्म में कहते हैं अपारिग्रह। अब ये याद रखना कि ये जो चारों डॉक्ट्राइन्स हैं ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, और जो लॉर्ड महावीर हैं उन्होंने ये फिफ्थ डॉक्ट्राइन, ब्रह्मचार्य का डॉक्ट्राइन ये महावीर ने दिया था, ठीक है। जैनिज्म अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देता है अहिंसा को, जिसका मतलब है नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। वो कहते हैं कि हर एक लिविंग बींग में सोल है, तो इसलिए हमें किसी भी लिविंग बींग को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना है। उनकी अगर टीचिंग्स की बात करें तो थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म आर राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। और उसके बाद जो जैनाज है, अगर आपने कोई जैनी संत देखे हो, जैन मंक्स देखे हो, तो आपने उनके हाथ में एक सफेद कलर का एक ब्रूम देखा होगा, जिसको जैनिज्म में ओघो और रजोहरण कहा जाता है। ये जो ब्रूम होता है ये थ्रेड्स का बना हुआ होता है। ये जो जैन मंक्स है वो इसलिए यूज करते हैं कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो रास्ते में, या फिर उनको अगर किसी जगह पे बैठना होता है, तो पहले उस प्लेस को वो इस ब्रूम से स्वीप करते हैं, ताकि कोई भी छोटे छोटे भी जो इंसेक्ट्स हैं या वॉर्म्स है वो उनके नीचे आके मर नहीं जाएं। इसका मेजर रीजन है कि वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं अहिंसा को, ठीक है। उसके बाद ये जो दो टर्म्स है जैनिज्म में, अनेकातवाद और सयादवाद, इनको समझो। अनेकातवाद है कि कोई भी रियलिटी है तो उस रियलिटी को समझने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। अब सपोज करो, अगर हम किसी रिलीजन की बात करें, हम हिंदुइज्म की बात करें, तो हो सकता है एक इंसान के लिए हिंदुइज्म का मतलब कुछ और हो और दूसरे इंसान के लिए हिंदुइज्म का मतलब कुछ और, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही पर्सपेक्टिव सही हो। तो इसका तो जैनिज्म इसी चीज में बिलीव करता है अनेकवाद में, कि हर एक रियलिटी को समझने के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। उसके बाद सयादवाद, ये कहते हैं कि कोई भी रियलिटी है या कोई फिनोमिना है, उसकी जो नॉलेज है वो कंडीशनल है, यानी कि हमारे पास आज जो फैक्ट्स हैं, हमारे पास आज जो प्रूफ है, जो नॉलेज है, उनके बेसिस पे हम अपनी एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं उस चीज को लेके, जबकि हो सकता है ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम हमें और कोई नए फैक्ट्स मिले और हमारी वो नॉलेज जो है वो चेंज हो जाए। जैसे कि बात करें सोलर सिस्टम की, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोलर सिस्टम को लेके बहुत सारी अलग अलग थियोरीज आई हैं, और ये जो हमारी नॉलेज है सोलर सिस्टम को लेके, वो ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रही है, ठीक है। उसके बाद बात करें अनुव्रतास और महाव्रतास की। अब जैनिज्म में मंक्स भी हैं, और जैनिज्म के जो आम लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो भी जैनिज्म को बिलीव करते हैं। तो जो हम जैसे लोग हैं, जो ले मैन हैं, उनको कहा जाता है अनुव्रतास, और जैन मंक्स को कहा जाता है महाव्रतास। अनुव्रतास के लिए जो जैनिज्म की जो प्रिंसिपल्स है, जो फिलोसफीज है, जो डॉक्ट्राइन्स है, वो हमारे लिए इतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती। जैनिज्म कहता है कि जो लोग गृहस्थी वाली लाइफ से बिलोंग करते हैं, जो लोग हाउसहोल्ड लाइफ से बिलोंग करते हैं, वो जैनिज्म के बहुत ज्यादा रिजिड, जो स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन्स है, उनको फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जैसे लोगों के लिए जैनिज्म के जो डॉक्ट्राइन्स है उनको थोड़ा सा टोन डाउन किया जाता है। जैनिज्म कहता है कि आप अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, इन प्रिंसिपल्स को मानो, लेकिन ब्रह्मचार्य जैसे प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उसको मानने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन महाव्रतास के लिए जो ये स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन्स है वही फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद संथारा, ये टर्म याद रखना कि किस रिलीजन से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है जैनिज्म से। न्यूज में रहती है तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है डाइंग ऑफ हंगर। अब जैनिज्म में क्या है कि जैनिज्म हमें कहता है कि चाहे हम आम इंसान हो या फिर जैन मंक्स हो, हमें अलाउड है कि हम संथारा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। संथारा क्या है कि अपनी मर्जी से जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हम कुछ भी इनटेक नहीं लेते हैं, और इसकी वजह से हम धीरे धीरे हमारी जो हेल्थ है वो वीक होती रहती है, और उसके बाद एक टाइम आता है जब हमारी डेथ हो जाती है। तो वो है संथारा कि आप अपनी मर्जी से जब खाना पीना छोड़ के स्लोली स्लोली आप हंगर से, भूख से आपकी डेथ होती है, वो है संथारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ मेजर पैटर्न ऑफ दिस रिलीजन जैनिज्म, और उन्होंने भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने भी अपनी लाइफ में संथारा ले लिया था, ठीक है। जैनिज्म ऑल्सो बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
ये याद रखना, क्योंकि यूपीएससी आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म का कंपैरिजन पूछ सकती है प्रीलिम्स में, तो इसका मतलब है कि जो जैनिज्म है वो भगवान में बिलीव करता है, वो मानता है कि भगवान नाम की भी कोई चीज है। लेकिन ये याद रखना कि जो जैनिज्म है वो गुरु को, गॉड को, महावीर को, टीचर को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है कि सबसे पहले टीचर आएगा और उसके नीचे फिर आएंगे भगवान, ठीक है। जैनिज्म ऑल्सो बिलीव्स इन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल एंड थ्योरी ऑफ कर्मा। इस चीज को थोड़ा सा समझो, जैनिज्म कहता है कि जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़ के, जब हमारी डेथ होती है तो एक शरीर को छोड़ के हमारी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो तो मॉर्टल है, लेकिन हमारी जो सोल है वो इमोर्टल है, और वो एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में माइग्रेट होती है, ठीक है। तो जैनिज्म कहता है कि जो हमारी लाइफ है, जैसे अगर हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं या उदास हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आर कर्मास। हमने अपनी पिछली जिंदगी में जैसे कर्म किए हैं उसका इम्पैक्ट हमारी जो अगली लाइफ होगी उस पे पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल एंड थियोरी ऑफ कर्मा, जबकि जो बुद्धिज्म है वो सोल में बिलीव नहीं करता। उसके बाद हम जैनिज्म के स्प्रेड की बात करें, तो इसको समझो कि इसका जो स्प्रेड है वो क्यों हुआ था। अब 5th एंड 6th सेंचुरी में इंडिया में बुद्धिज्म, सॉरी ब्राह्मणिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणिज्म जो था वो एक रिजिडिटी बहुत है ब्राह्मणिज्म में। कास्ट सिस्टम की बात की जाए तो जो लोअर कास्ट है, जो शूद्रज है, वो दलित हैं, ब्राह्मणिज्म उनको इंक्लूड नहीं करता है। और इनके जो सुपरस्टिशंस हैं, इनके जो रिचुअल्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत रिजिड हैं। एंड ऑल्सो ब्राह्मणिज्म जो अपनी प्रीचिंग्स देता है वो संस्कृत लैंग्वेज में देता है, जो कि आम लोगों के समझ में नहीं आती। बहुत कॉम्प्लेक्स संस्कृत लैंग्वेज वो यूज करते हैं। तो इस टाइम पे क्या था कि लोग कोई ऐसा रिलीजन या कोई ऐसा सेक्ट ढूंढ रहे थे जहां पे ये ऐसी रिजिडिटी या रिचुअल्स ना हो, एंड जैनिज्म ने उनको एक ऐसा रिलीजन या सेक्ट प्रोवाइड किया। महावीर जैना ने एक ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने बोला कि बोथ मैन एंड वुमेन आर अलाउड, और किसी भी कास्ट का बंदा हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो सब आ सकते हैं जैनिज्म में। और इनकी जो प्रीचिंग थी वो प्राकृत लैंग्वेज में देते थे। प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। और जैनिज्म के बारे में एक चीज याद रखना कि दे डिड नॉट कंडेम वर्णा सिस्टम। उन्होंने वर्णा सिस्टम को ये नहीं बोला कि वर्णा सिस्टम गलत है, इसको खत्म कर दो। जैनिज्म ने ये जरूर बोला कि वर्णा सिस्टम में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ इविल्स हैं जिसको हमें खत्म करना है। और जैनिज्म के स्प्रेड की बात की जाए तो वो साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में मेजरली फ्लोरिश हुआ, ठीक है। वेस्ट इंडिया में ही हमें जैनिज्म के अगर मेजर टेम्पल्स की बात की जाए, चाहे दिलवाड़ा टेम्पल्स हो, चाहे पालीताना के टेम्पल्स हो, वो वेस्ट इंडिया में ही लोकेटेड है। अब अगर जैनिज्म के पेट्रोनेज की बात की जाए, रॉयल पेट्रोनेज की बात की जाए, तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो जैनिज्म को साउथ की तरफ, कर्नाटका की तरफ लेके गए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य जैन मंक बन गए थे, और उन्होंने एक जैन एस्थेटिक लाइफ उन्होंने एक्वायर कर ली थी। और ये चीज याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक ग्रेट फेमाइन आया था, ठीक है। तो उस फेमाइन के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया, स्पेशली अगर हम प्लेस की बात करें तो स्वर्ण बेनगोला जो कर्नाटका में है, तो वहां पे चले गए थे अलोंग विद मैनी अदर जैन मंक्स। अब ये याद रखना कि जो मंक्स माइग्रेट होके साउथ में गए थे अलोंग विद चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो जैनिज्म की जो रियल प्रीचिंग्स थी, जो रियल आइडियोलॉजीज थी, उसी को कंटिन्यू किया। लेकिन कुछ जैन मंक्स ऐसे थे जो उस फेमाइन में भी, वो मगधा में ही रहे अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल भद्रा, ठीक है। अब ये जो लोग थे, स्थूल भद्रा और साथ के जो मंक्स थे, उन्होंने फेमाइन से खुद को बचाने के लिए सफेद कलर के कपड़े से खुद को कवर कर लिया था। इसलिए एज अ रिजल्ट इसके बाद अब जैनिज्म दो सेक्ट में बट गया था। एक है दिगाम्बर्स और दूसरे हैं श्वेतांबर्स। जो भद्रबाहु वाले थे, जो कर्नाटका में रहते थे, वो दिगंबर्स हैं, और जिन्होंने मगध में रहे और उन्होंने सफेद कलर का कपड़े से खुद को ढक लिया था, वो थे श्वेतांबर्स। आप नाम से भी याद कर सकते हो, श्वेत का मतलब होता है वाइट, तो उन्होंने सफेद रंग के कपड़े से खुद को ढक लिया था जो मगधा में थे, ठीक है। और ये याद रखना कि मगध में ही स्थूल भद्र के अंडर ही
पहली जो काउंसिल हुई थी जैनिज्म की वो इन्हीं के अंडर हुई थी, ठीक है। उसके बाद रॉयल पेट्रोनेज की बात की जाए तो कलिंग के जो राजा थे खरावेला, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, उन्होंने भी जैनिज्म को काफी ज्यादा पेट्रनाइज किया था, और इसीलिए जैनिज्म काफी ज्यादा कलिंग जो उड़ीसा में है उस तरफ भी स्प्रेड हुआ था, ठीक है। उसके बात की जाए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म की, तो जो जैनिज्म है उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था और उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया था। रीजन बीइंग के संस्कृत लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स थी, आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, जबकि जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो आम लोगों की मासेस की लैंग्वेज थी। अब प्राकृत से ही और भी कई लैंग्वेजेस निकल के आई, एक थी शौरसेनी, ठीक है, और इसी में से मराठी लैंग्वेज निकली है। जैनिज्म के अगर रिलीजियस लिटरेचर की बात की जाए वो अर्ध मगधी में भी लिखा गया है, ठीक है। और ये याद रखना कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वल्लभी में 6th सेंचुरी AD में, और इसी टाइम पे जो जैन टेक्स्ट थे वो कंपाइल किए गए थे। प्लेस का नाम याद रखना वल्लभी गुजरात, ठीक है। जैनिज्म के कुछ हमें टेक्स्ट हमें अपभ्रंश लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं। दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कन्नड़, ठीक है। और ये चीज याद रखना कि जो इनिशियली जो जैन मंक्स थे, जो जैन बिलीवर्स थे, वो भी बुद्धिज्म की तरह आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, बट ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम वो भी आइडल वर्शिप करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो दिलवारा टेम्पल्स एट माउंट आबू राजस्थान, रनकपुर टेम्पल एट राजस्थान, पालीताना टेम्पल ये गुजरात में है, स्टैचू ऑफ अहिंसा ये ऋषभनाथ जो पहले जैन हुए हैं, पहले जैन तीर्थंकर, उनसे बिलोंग करता है, एट मंगी तुंगी हिल्स इन महाराष्ट्र। उसके बाद बाहुबली का स्टैचू एट स्वर्ण बेल गोला, और अगर रॉक कट केव्स की बात की जाए तो उदयगिरी खंडागिरी केव्स इन ओडिशा एंड इलोरा केव्स, यहाँ पे जैन आर्किटेक्चर के हमें प्रूफ देखने को मिलते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे, हमने जैनिज्म सारा कवर कर लिया है, कल हम बात करेंगे बुद्धिज्म की जो प्रीलिम्स के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।